हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज वापस से मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, 1 मिनट में वन कंसेप्ट। रेगुलर आपकी क्लास ये 9 बजे आती है, केवल आपका 2 मिनट का समय लूंगी मैं आपका। 2 मिनट में आपको दो नए सवाल सब समझाऊंगी, और दो नए टॉपिक के साथ, दो नए टॉपिक या दो नए सवाल, ठीक है, क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्रियल मैम रीजनिंग को लाइक कीजिए सभी लोग, और सभी लोग शेयर जरूर कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी भूले ना, ठीक है सभी लोग, तुरंत। अगर आपने शेयर नहीं किया तुरंत शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं सवाल से। सवाल में क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है तो उससे 25% का लाभ हानि होती है। क्या हुआ, 25 की हानि हो रही है। तो 25 का 25% का लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को कितने मूल्य बेचना चाहिए उसे। अब देखिए सवाल को, अच्छा सवाल है, सवाल पढ़ लिया आपने। पहले क्या है, 25% की हानि हो रही है। देखो 25% का मतलब क्या हुआ, मतलब 100 रुपए की चीज थी, मान लेते हैं जब भी परसेंटेज की बात होगी हमेशा 100 से बात करेंगे, 100 की चीज थी, 25 की हानि हुई, मतलब 75 में बेचा होगा उसको। ये तो बात समझ में आ गई, 25% की हानि कब होगी, जब 100 की चीज को 75 में बेचेंगे तभी हानि होगी। काट लेंगे 4:3, 4:3 पर हमसे सवाल में बोला गया ये 3 रुपए में, अगर 4 रुपए में खरीदा है तो 3 में बेचा है, पर बेचा 3 में नहीं, 720 में बेचा है। कितने में, 720 में। कितने का गुणा हो गया, 3 2 6, 3 4 12 0, 240 रुपए का गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 240 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 240 इंटू का 4, 16 4 2 8, 960 रुपये। ये हो गया, मतलब 960 का इसका मूल्य था, इसने 720 में बेचा, इसको हानि हुई। पर अब ये कमा बोल रहा है कि मुझे 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचू, मतलब इसको कितने में बेचू कि मुझे इतने का लाभ हो जाए। तो 960 इंटू का 125 अपॉन का 100 कितना हुआ, 4 5 और ये 4, 4 2 8, 16 और 0, 200 240 अपॉन 5 5 4 20, 4 2 8, 9 10, 1000 रुपये में। कितने में, अगर 1000 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 25% का लाभ हो जाएगा। तो 100 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया, ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, मतलब ये आपका चेन वाला सवाल आपका आता है एग्जाम में, ऐसे चेन बना के आपका एक सवाल आएगा एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का है सवाल, देखते हैं सवाल को, सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल देखिएगा क्या है, यदि अंकित मूल्य पर, यदि अंकित मूल्य पर, एक सेकेंड, हाँ, यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दो क्रमिक छूट 20 और 10 की, मतलब एक तो छूट है 30 की और दो छूट है 10 और 20 की, ये दो छूट है, एक 30 है और एक 20 और 10 के फॉर्म में 30 दे रखी है भी, तो दोनों में अंतर कितना है, 72 रुपीज का अंतर है, एक ये छूट में और इसमें, दोनों में अंतर अगर 72 रुपीज का है तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए जब भी इस टाइप से आपको डिस्काउंट दे रखा हो, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2, तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 20 प्लस का 10 माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन का 100 कितना हो गया, ये कटा ये कटा ये कटा, 20 और 30 मतलब 28, 28 हो गया। ये क्या है, टोटल यहां से डिस्काउंट निकला 28 का और यहां से 30 का डिस्काउंट है। फर्क कितने का हुआ, फर्क कितने का हुआ, 30 माइनस का 28, 2% का फर्क हुआ, कितने का, 2% का। ये 2% किसके बराबर है, 72 रुपीज के बराबर है, किसके बराबर है, 72 रुपीज के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 72 अपॉन का 2, ठीक है, और 100 का मतलब कितना हो गया, इनटू का 100 कर देंगे, तो कर दीजिए 2 3 6, 2 6 12, 3600 रुपये का अंकित मूल्य है, कितने का हो गया, 3600 रुपये का अंकित मूल। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल समझ में आया आपको, सवाल समझ गए आप लोग, कैसे होगा, दो डिस्काउंट है इसके पास, कितने डिस्काउंट है,
दो डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है इसका 30 का, दूसरा है लगातार 20 और 30 का। तो यहां से पहले हमने ओवरऑल डिस्काउंट निकाला, ओवरऑल कितना है, एक ये डिस्काउंट हो गया, दोनों को माइनस किया 2% आया। ये 2% किसके बराबर है, ये डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 72 रुपीज का डिफरेंस है, ये 72 के बराबर हो गया। तो यहां से एक का निकाला 72/2, 100 का निकाला इंटू 100, तो 3600 रुपए ये वैल्यू जो है वही इसका अंकित मूल्य है। अगर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कोई बात नई सीखी हो, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। प्रियल मैम रीजनिंग, सभी को पता होना चाहिए प्रियल मैम रीजनिंग ये चैनल है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ये लगातार वीडियोस आपकी सुबह 9 बजे रेगुलर मिलती है, रेगुलर सुबह 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग।